नमस्कार, मैं सनी तुसीर इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अलीपुर वार्ड नंबर 4 में। अलीपुर वार्ड नंबर 4 में आज हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी योगेश राणा जी मौजूद है और आज इनसे पूछते हैं कि अलीपुर वार्ड नंबर 4 में क्या कमल का फूल खिलने जा रहा है। योगेश राणा जी, बड़ा बड़ा स्वागत आपका। जी धन्यवाद भाई साहब, कमल का फूल तो खिल चुका है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप देख ही रहे हो, जिस भी गांव में जाता हूं पूरा गांव साथ हो लेता है और गांव में तो अब लोगों ने बोल दिया है कि भाई हमारे गांव में योगेश भाई सारे हम सब आपकी वोट मांग रहे हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ जहाँ दूसरे प्रत्याशियों के गाँव हैं वहाँ जाओ और हमारी भी जो जरूरत है हम भी आपके साथ चलेंगे। अपार जन समर्थन, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाइयों का प्यार मिल रहा है उससे मेरे को तो लग रहा है कि कमल खिल चुका है। योगी जी, बड़े आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी और चीज़ के आरोप लगा रहे हैं। थोड़े तीखे सवाल जरूर है, लेकिन ये तीखे सवाल पूछने भी इसलिए जरूरी है कि ताकि जनता को पता चले कि अब क्या बीजेपी सरकार जब सत्ता में आती है जो काम अधूरे बचे हुए वे काम पूरे हो गए, किस तरीके से काम किए जाएंगे। अगर जनता आपको चुनती है, आपके सिर पे ताज पहनाती है, तो आप जनता के लिए वार्ड नंबर 4 की जनता के लिए क्या क्या काम करोगे? आप सभी को पता है कि कांग्रेस ने जो निगम को 3 हिस्सों में बांटने का काम किया था उससे वो पंगु बन गई थी और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दोबारा से एकीकरण जो किया है निगम का, उससे बहुत ही मजबूत निगम बनेगी और बहुत ज़्यादा काम होंगे, विकास होगा, कामों की कोई कमी नहीं रहेगी और जो अधूरे काम है सारे पूरे होंगे। और मैं वार्ड नंबर 4 की जनता को भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं योगेश राणा पहले दिन से ही समस्याओं का सफाया करना शुरू कर दूंगा। एकीकरण से लगता है आपको लाभ मिलेगा? जनता लाभ मिलेगा क्योंकि खर्चे कम होंगे और हमारा रिवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे कुछ अलग तरीके की चीजें निकल के नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी का क्या, वो झूठी सरकार है, झूठ बोलना उनका काम है। जो प्रचार में पैसा लगाना और जमीन पे पैसा नहीं लगाना उनका एक ध्येय है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और हम प्रत्यारोप की राजनीति में भी नहीं जाता, अपना काम है अपने लोगों के लिए काम करना, सेवा करना, उसके लिए ही है वो। हम अपनी सेवा करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है उससे क्या कोई फर्क नहीं। तो आपकी जीत होते ही सबसे पहला काम जनता के लिए क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले ध्येय यही रहेगा, जो भी सफाई की व्यवस्था जो चरमराई थी बजट की वजह से, जो क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों के वेतन का जो पैसा केजरीवाल ने रोकने का काम किया था और अब एकीकरण से उनकी जो सैलरी है प्रॉपर आ रही हैं और उनमें जो उत्साह उमंग है और मैं भी उनके साथ लग के सबसे पहले वार्ड नंबर 4 को बिल्कुल साफ करने की जो काम शुरुआत होगी हमारी यही होगी। क्या लग रहा है आपके वार्ड नंबर 4 से योगेश राणा आ रहे हैं फुल समर्थन के साथ? फुल समर्थन के साथ आ रहे हैं और बारी मुंह से हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, साझा में आश्वासन मिल रहा है जीत का, बहुत अच्छा माहौल होगा। क्या लगता है जी, आप इसी कॉलोनी के रहने वाले हो, यहीं के हैं, क्या लगता है योगेश राणा की लहर है? 2/3 बहुमत से जीतेंगे योगेश राणा जी। हाँ जी, लगता है बीजेपी आएगी काम करवाएगी? बिल्कुल करवाएगी जी, ये तो पार्षद से पहले भी जब मंडल अध्यक्ष आकर के कितने बार जो जेई से मीटिंग की, कितने काम करवाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो ये दूसरे लोग ऐसे आरोप लगाना, दूसरे पर उंगली उठाना जानते हैं, ये तो ऐसा सबके साथ मिल के काम करने वाले आदमी है जो पूछो ही मत। इन्होंने सबका दिल पहले ही जीत लिया है, चुनाव जीतने से पहले दिल जीत लिया है। चुनाव में तो अब ये समझ लो 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी? भाई साहब, ये काम करना इसके लिए नई चीज़ नहीं है, इसने जब से अपना इस राजनीति में संघर्ष स्टार्ट किया उस दिन से काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। जनता सबको पता है कि जो जनता के साथ खड़ा है जनता उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आप इसी कॉलोनी के रहने वाले हो? हाँ जी, हम इसी कॉलोनी से। तो क्या लगता है? बिल्कुल जीतेंगे जी, और हमारे लिए इतना काम किया इन्होंने और आज तक किसी ने नहीं, बिना पार्षद होते भी इन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया है। मैं भी अपने दर्शकों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, योगेश राणा ही बड़े साफ छवि के व्यक्ति है, बड़े सीधे सिंपल व्यक्ति है। ये बने भी नहीं थे उससे पहले भी, ना जाने कोरोना में कितनी इन्होंने इनके द्वारा फोगिंग करवाई गई, ना जाने कितने कार्य जो है वो इनके द्वारा करवाए गए। ये खुद अपने कार्यों को जो वो गिनवा नहीं पाते हैं, कई बार तो ऐसा हो जाता है, क्यों नहीं गिनवाना चाहते? क्या थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए आपको जनता को कि आपने क्या क्या काम करवाए। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमारा काम गिनवाना या प्रचार करना नहीं है, हम लोगों के बीच में लोगों की सेवा करना जानते हैं, हमें यही सिखाया गया है और यही हमारी पसंद। ये देखे कितनी सादगी भरी जो है वो बातें करते हो, और ये सादगी है, नेचुरली ये सादगी है। तो अब की बार अगर आप अपना वोट दो तो बड़े देख के देना, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वहाँ देना जहाँ आपको ये लगे कि आपके कार्य जो है वो आप हाथ पकड़ करवा सके। देखते रहिए सोनू के साथ में, सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।